दोस्तों, ये रियल मत्स्य पुराण बुक है, ठीक है। पिछले वीडियो पे हमने जहाँ तक पढ़ा था, उसके बाद आज यहाँ से शुरू करते हैं। रियल रामायण, महाभारत, वेद, पुराण, कामसूत्र, उपनिषद, ये सब बुक को अगर आप शुरुआत से पढ़ना चाहते हो तो इस वीडियो के नीचे चैनल के नेम या पिक्चर पे क्लिक करके प्लेलिस्ट में जाकर पढ़ सकते हैं, या फिर चैनल का नाम कुछ अलग कुछ रोचक हो यूट्यूब पर भी सर्च करके प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। मैं दानव की रचित माया से, तो ये देवासुर संग्राम हो रहा है जो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था, ठीक है। उसके बाद मैं दानव की रचित माया से सेना के संतप्त हो जाने पर तथा दानवों के द्वारा हनन किए जाने पर देवराज के द्वारा प्रेरित किए हुए वरुण देव ने ये वाक्य कहा था। हे इंद्र, ब्रह्मर्षि से जन्म लेने वाले ऑर्ब ने अतीब दारुण तपश्चर्या की थी। वो ऑर्ब पूर्वक का ही तेजस्वी था तथा गुणों के द्वारा ब्रह्मा के सहज था। तप के द्वारा इस अव्यय जगत को आदित्य के समान तपाते हुए उसका देवर्षियों के सहित दिव्य मुनिगणों ने सस्तवन किया था। दानव ने हिरण्यकशिपु को पहले परम तेजस्वी ऋषि को विज्ञापित किया था। ब्रह्मर्षियों ने उससे परम धर्म से सनद वचन कहा था। हे भगवान, ऋषियों के वंशों में ये छिन्न मूल वाला ही है। आप एक ही संतान से राहत है और गोत्र के लिए अन्य कोई भी नहीं। आप इस कोमार व्रत से समास्थित होकर केवल क्लेश का ही अनुवर्तन कर रहे हैं। हे विप्र, भावित आत्मा वाले मुनियों के वो बहुत से गोत्र ऐसे हैं जो प्रजाओं के बिना एक ही देह वाले विविक्त स्थित रहा करते हैं। इस प्रकार से उच्छिन्न मूलों वाले पुत्रों से हमारा कोई कारण नहीं है, और आप तो तपस्या से परम श्रेष्ठ एवं प्रजापति के समान दूती वाले हैं। अब उसमें आप वंश के लिए ही बर्ताव करें और आत्मा के द्वारा आत्मा की शुद्धि करें। आपने धर्म का तो पर्याप्त अर्जन कर ही लिया है, अब दूसरा शरीर भी बनाइए। मुनिगणों के द्वारा जब इस प्रकार से उस मुनि से कहा गया था तो वो और मर्मस्थल में ताड़ित किया गया था। उसने उन ऋषिगणों की गर्या की थी और फिर उनसे ये वचन बोला था, जिस प्रकार से मेरे द्वारा ये धर्म विहित किया गया है वो मुनियों का परम शाश्वत धर्म है। वन में समुत्पन्न मूल और फलों का अर्शन करने वाले तथा आज कर्म को सेवन करने वाले ब्रह्म योनि में समुत्पन्न आत्मदर्शी ब्राह्मण का भली भांति चरित ब्रह्मचर्य व्रत का बड़ा महान महत्व है। ये तो ब्रह्मा को भी चलित कर देने वाला होता है। जो गृहस्थ के निवासी जन हैं उनकी तीन वृत्तियाँ होती है। हम जो वर्णाश्रम निवासी हैं उनकी यही वृत्ति परम श्रेष्ठ है। जल के भक्षण करने वाले, वायु के भक्षण करने वाले तथा दंतो लूखली 10 असम कट्टू और जो 5 आतपों के सहन करने वाले हैं, ये तप में आस्थित रहा करते हैं। और जो परम दुष्कर व्रतों के द्वारा ब्रह्मचर्य का पूर्ण परिचालन करके परम गति प्राप्त किया करते हैं, परलोक में भी ब्रह्मचर्य के महान महत्व के द्वारा लोग इसी प्रकार से कहा करते हैं कि ब्रह्मचर्य से ही ब्राह्मण का ब्राह्मणत्व स्थित रहा करता है। इस ब्रह्मचर्य में ही धैर्य की स्थिति रहा करती है और इस ब्रह्मचर्य में ही तप स्थित रहता है। जो ब्राह्मण अपने पूर्ण ब्रह्मचर्य व्रत में टिके हुए हैं वे दिव्यलोक में संस्थिति रखा करते हैं। योग के बिना कोई भी सिद्धि नहीं हुआ करती है, और जब कोई सिद्धि नहीं होती है यश भी लोक में नहीं हुआ करता है, तथा लोक में यश का मूल नहीं है और ब्रह्मचर्य से अधिक कोई भी तप नहीं होता है। जो कोई भी पुरुष अपनी इंद्रिय के समूह को 5 भूत ग्रामों को निग्रहित करके ब्रह्मचर्य व्रत का पूर्ण पालन किया करता है, फिर इससे अधिक अन्य क्या तप हो सकता है।
यही सबसे परम श्रेष्ठ तप होता है। आयोग में केशों का धारण करना, बिना ही किसी संकला के व्रतों की क्रिया का संपादन करना और ब्रह्मचर्य में अपनी चर्चा रखना, ये तीनों कर्म दंभ की संज्ञा वाले ही कहे गए हैं। कहाँ तो धारा का संयोग हुआ था और कहाँ भावों का विपर्यय ही हुआ था, अर्थात धारा संयोग और भावों की विपरीतता के ये तीनों ही बातों का बिल्कुल अभाव था, तो भी ब्रह्मा के द्वारा मन से ही ये मानसी प्रजा का सृजन किया गया था। यदि आत्मा के ज्ञान को जानने वाले आप लोगों में कुछ भी तप का वीर्य विद्यमान है, तो आप प्रजापत्य कर्म के द्वारा मानस पुत्रों का सृजन करिए। मन के द्वारा ही निर्मित की हुई योनि ही तपस्वियों को आधान करनी चाहिए। दारा के साथ दोग करना तथा बीज का प्रयोग करना तपस्वियों का व्रत नहीं बताया गया है। यहाँ पर आप लोगों ने जो भी निर्भय होकर इस लुप्त धर्म और अर्थ से युग्म वचन कह डाला है, यद्यपि आप लोग ससुरुष हैं जिन्होंने इसको यहाँ पर प्रतिपादन किया है, तो भी वो मुझको असत पुरुष के कथन के समान ही प्रतीत होता है। मैं इस हिप्त अंतरात्मा वाले बपू को मनोयम करके द्वारा के योग के बिना भी आत्मा अनुरूप पुत्र का सृजन करूँगा। इसी प्रकार से ये मेरी आत्मा द्वितीय आत्मा 9 जन्म ग्रहण करेगी कराएगी और इसी वन्य विधि के द्वारा प्रजा की भांति ही जलाने वाली हो जाएगी। उस अर्ब ने तप से समाविष्ट होकर अपनी उरुषि हुताशनि निवेशित कर और एक धर्म से सुनकी दरबारिणी का मंथन किया था। उसके अरु का सहसा भेदन करके बिना ही ईंधन वाला ज्वाला वाली और इस जगत को हिच कर देने की अरुदक्षा वाला अग्नि पुत्र समूह होता था। उस अर्व की उरु का बिनी भेदन करके अर्व नाम वाला अनल अंत कर देने वाला परम कोष से समन्वित तीनों लोकों को दग्धता करता हुआ सुसंपन्न हुआ था। उत्पन्न होने के ही साथ उसने परम विनम्र वाणी से अपने पिता से प्रार्थना की थी कि हे तात, मुझे ये क्षुधा अत्यंत अधिकता के साथ सता रही है, इस जगत का भक्षण करूँगा मैं। आप मुझे अपनी क्षुधा के निवारण करने के लिए मुझे छुट्टी दे दीजिए। त्रिदीप और समारोह करने वाली ज्वालाओं सदसों दिशाओं में जंबमान होता हुआ समस्त भूतों को दया से रहित होकर दलित करता हुआ गया था। इसी बीच में वो अंतक अनल वृद्धि को प्राप्त हो ब्रह्मा ने उर्व मुनि का समाजन करते हुए उससे कहा था कि हे पुत्र, इसका वारण करो तथा इस जगत पर दया करो। हे विप्र, मैं आपकी इस संतति का समुचित स्थान स्थिर कर दूंगा। हे पुत्र, बोलने वालों में परम श्रेष्ठ आप मेरे अति तथ्य वचन का श्रवण करो। उर्व ने कहा, मैं परम धन्य और अति अनुग्रहित हूँ कि आज भगवान आपने इस समय में इस शिशु को ऐसी बुद्धि मुझ पर परम अनुग्रह करने के लिए प्रदान की है। प्रभात काल के संप्राप्त होने पर आपका समागत आकांक्षणीय है। हे भगवान, ये बतलाइए कि किन हव्यों से तर्पित हुआ मेरा पुत्र सुख प्राप्त करेगा, इसका निवास स्थल कहाँ पर होगा और इसके भोजन का स्वरूप क्या होगा। भगवान, आप इस महान ओज वाले के वीर्य के तुल्य ही इस इन बातों की व्यवस्था कर देंगे। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, समुद्र में बड़वा के मुख में इसका निवास स्थल होगा। हे विप्र, मेरी उत्पत्ति की योनि जल पीने वाले इसको सूख कर होगा और जहाँ पर हूँ वहीं पर नियत रूप से बारी में हवी का पान करेगा।
तथा वह अभी आपके पुत्र के निमित्त में लयकाल परियोजना विसर्जित कर देता हूँ। इसके पश्चात ही पुत्र भूतों के युग के अंत में ये आपका पुत्र और मैं दोनों एक साथ में मिलकर निष्पुत्रों के ऋण का अपहरण करने वाले विचरण करेंगे। इस अग्नि को अंतकाल में मैंने सलील का आसन करने वाला कर दिया है, जो समस्त भूतों का तथा देवासुर और राक्षसों का दमन करने वाला होगा। ऐसा ही होए ये कहकर वो अग्नि समृद्ध ज्वालाओं के मंडल वाला अपने पिता उर्व के प्रभाव को प्रक्षिप्त करके अर्णव के मुख में प्रवेश कर गया था। इसके अनंतर ब्रह्मा जी तथा सब महर्षिगण प्रत्यान कर गए थे। उर्व की अग्नि के प्रभाव को जानकर सब अपनी गति का उपाश्रय कर गए थे। उसी समय में उस महान अद्भुत हिरण्यकशिपु को देखकर उच्च भाव से सब अंगों को प्रणत करने वाला होकर ये वाक्य बोला था, हे मुनिश्रेष्ठ, ये लोक का साक्षिक अद्भुत हो गया है। हे भगवान, आपकी तपश्चर्या से पितामह भी परितुष्ट हो गए हैं। हे महाव्रत, मैं तो आपका पुत्र का और आपका भिन्न ही हूँ। ऐसा ही अवगमन कर लीजिए जो कि यहाँ पर कर्म के द्वारा साधना के योग्य है। इसीलिए उस मुझको आपके ही समाराधन में संपन्न ही देखिए। हे मुनिश्रेष्ठ, यदि मैं आपका अनुगामी सेवक होकर भी दुखित रहता हूँ तो ये आपका ही पराजय होगा। उर्व ने कहा, मैं परम धन्य हूँ और परम अनुग्रहित हूँ कि जिस तुझको मैंने गुरु समर्पित हो गया हूँ। हे सुब्रत, आज यहाँ पर मेरे इस तप से कोई भी भय नहीं है। मेरे पुत्र के द्वारा निर्मित उसी माया को ग्रहण करो जो बिना ईंधन वाली पावकों द्वारा भी दुर्दस और अग्निमयी है। ये तेरे अपने वंश के वश में गमन करने वाले आर्यों से विशेष निग्रह में और पक्ष की रक्षा करेगी और विपक्ष को प्रदर्शित करेगी। ऐसा ही होगा, ऐसा कहकर उसको ग्रहण किया था और फिर उस श्रेष्ठ मुनि को प्रणाम करके दानवेश्वर प्रसन्न और कृतार्थ होकर त्रिदीप को चला गया था। वो माया दुर्विषय है और देवगणों के द्वारा भी दुराशय है। उसको उर्व के पुत्र पावक पौरव के द्वारा पूर्व में निर्माण किया गया था। उस दैत्य के बुद्धित होने पर ये निर्वीर्य हो जाया करती है, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। जिस जिस तेज के द्वारा इसका सृजन किया गया था उसी के द्वारा पहले इसको शाप भी दिया गया है। यही मैं माया परिहनन के योग्य करनी है तो भगवान को सुख से संपन्न एवं प्रसन्न करना चाहिए। है इंद्रदेव, अतएव तय की योनि निशाकर मेरा सखा दे दो। इसके उसके साथ मैं संगत होकर और यादव गणों से समाविष्ट होकर आपकी कृपा एवं प्रसाद से उस माया का मैं हनन कर दूंगा। इसमें लेस मात्र भी संशय नहीं है। देवासुर संग्राम का वर्णन। श्रीमत्स्य भगवान ने कहा, ऐसा ही होएगा। ये कहकर परम प्रहर्षित और देवों की वृत्ति करने वाले इंद्र ने सोम के समक्ष में युद्ध करने के लिए शिशिर आयुध से प्रयुक्त करने का संदेश दे दिया था और सोम से उसने कहा था कि हे सोम, तुम तुरंत ही चले आओ और पाँचधारी वरुण देव की युद्ध में सहायता करो। ये इस प्रकार से तुम्हारा इस समय में वरुण का सहायक होना असुरों के विनाश के लिए तथा देवगणों की विजय प्राप्त करने के लिए होगा। हे सोम, आप मत्त हैं और मुकाबले के प्रतिवीर्य विक्रम वाले हैं तथा आप समस्त ज्योतियों के ईश्वरों के भी ईश्वर हैं। रसों के वेत्ता लोग सब लोकों में आपसे परिपूर्ण रस को भली भांति कहा करते हैं एवं जानते हैं। मंडल में सागर की ही भांति आपकी क्षीणता तथा बुद्धि स्पष्ट है और जगत में अहोरात्र के काल को यजित करते हुए आप परिवर्तित हुआ करते हैं। आपका ये सच के सदस्य जो अंक में चिन्ह है ये लोगों की इच्छा से ही परिपूर्ण है और इसको नक्षत्र की योनि वाले जो देवगण भी हैं वे भी हे सोम नहीं जानते। आप आदित्य के पद से भी ऊपर सब ज्योतियों के ऊर्ध्व भाग में समावस्थित हैं। आप सहसा इस तम को प्रत्याहित करके संपूर्ण जगत को अपने सुंदर प्रकाश से भाषित कर दिया करते हैं। आप अधिकृत कालयोग के स्वरूप बड़े यज्ञ के अविष्ट और अविनाशी हैं। आप औषधियों के स्वामी हैं। सब क्रियाओं की योनि अज्ञ योनि और शीतल दीप्ति से समन्वित हैं।
सोम, आप शीतल किरणों वाले अमृत के आधार चपल श्वेत वाहन हैं। आप इस अपने कांतिपूर्ण शरीर के द्वारा स्वयं ही कांति हैं और सोम के पान करने वाले के लिए साक्षात सोम स्वरूप वाले हैं। आप समस्त भूतों के लिए परम सौम्य हैं तथा सब वृक्षों के राजा और तिमिर के नाश करने वाले हैं। इसलिए हे माँ सेन, पार्वती वरुण के साथ सहायता करने के लिए आप शीघ्र ही चले जाइए तथा जिससे हम सब युद्ध में दग्ध हुए जा रहे हैं उस इस आसुरी माया का शमन कीजिए। इंद्रदेव की इस प्रकार से प्रार्थना करने पर सोम ने कहा, हे देवराज, हे वर प्रदान करने वाले देव, जो आप युद्ध करने के लिए मुझे कह रहे हैं, ये सभी दैत्य की माया के आप आकर्षण करने वाले शिशिर की वर्षा करता हूँ। आप इन सबको मेरे हिम से सविष्टित और मेरे शिष्य से निर्दग्ध करिए। इस महायुद्ध में इन सब दैत्य सिंहों को मद और माया से रहित हुए ही आप देखेंगे। उनको हिम किरणों से समुच्छिष्ट पासों के सहित हिम की वृत्तियों में घोर दैत्य को मेघगणों की ही भांति वेष्टित कर दिया है। महान बलवान पाश और शीतल किरणों को धारण करने वाले वरुण और चंद्रदेन दोनों ने उन दानवों का हित के पातों और पाशों के पातों से हनन कर दिया था। वे दोनों अंबु के स्वामी पाश और हिम से युद्ध करने वाले उस महान घोर रण में जलों से शुभ्ध दो महान नवों की भांति ही विचरण कर रहे थे। उन दोनों से अपलाभित दानवों की सेना उस समय में दिखलाई नहीं दे रही थी और ये संपूर्ण जगत प्रविष्ट हुए समर्थक अभेदों के द्वारा संबद्ध की तरह हो गया था। उन समुत्पष्ट हुए शशांक और वरुण दोनों अम्बुनाथों ने देवों ने दैत्य के द्वारा निर्माण की हुई उस माया का एकदम शमन कर दिया था। शीतांशुओं के जाल से निर्वृद्ध हुए तथा पाशों से रणस्थल में स्पंदित हुए सब दैत्यगण बिना सिर वाले पर्वतों के समान ही चलने में असमर्थ हो गए थे। शीत किरणों से निहत हुए तथा जल और हिम के आदित्य हिम से प्लावित समस्त अंगों वाले सब दैत्यगण बिना ताप ऊष्मा वाली अग्नियों के ही तुल्य हो गए थे। दिव्यलोक में उन दैत्यों के विपरीत प्रभाव वाले विचित्र विमान ऊपर उड़ते थे और नीचे भूमि पर गिर जाया करते थे। मतलब वो विमान का यूज़ करते थे और हमले के कारण नीचे गिर जाया करते थे। उस समय में दिव्यलोक में मायावी दानव मय ने उन सब दानव को पाश हस्त ग्रसित और शीत रश्मियों से समाच्छादित देखा था। उस समय में उस मय दानव ने शिला के जालों से वितत खड़ग चर्मों के अट्टहास वाली पादपों के उत्कृष्ट कूटों के अग्रभाग वाली कंदराओं से समाकीर्ण कानों से युक्त सिंह और बागड़ के गणों से संकुल चिंगारते हुए गजों की युथों से समवर्तित यह अमेघ गणों से आकर्ण पवन से आगुरी धूमों वाली दिव्यलोक से स्वेच्छा गमन करने वाली कुजित अपने ही यत्न से निर्माण की हुई परम गतित पार्वती माया को चारों ओर सुजित कर दिया था। उसने आशी के शब्दों से शिलाओं की वर्षा से और संपात करने वाले पादपों से देवों के संगा का हनन कर दिया था तथा दानवों को जीवित कर दिया था। उस पार्वती माया में नेगाकारी और वारुणी दोनों माया अंतर्हित हो गई थी और देवगणों को ग्रसी और आयास गणों से रण में तितर बितर कर दिया था। आयुधों से धन द्रुम और पर्वतों से संकट वो माया पर्वतों के पृथ्वी के समान अति घोर संचरण के योग्य हो गई थी। कुछ पाषाणों से प्रत्यत हुए थे और कुछ शिलाओं से खंड कर दिए गए थे और द्रुम गणों से अनिरुद्ध कोई भी देवता दिखलाई नहीं दे रहा था। भगवान गदाधर को अर्जित करके संपूर्ण सुरों की सेना अपध्वस्त धनुषों वाली अग्नि प्रहारों से मालिन और प्रयत्न सहित बन गई थी। उस समय में युद्ध में गमन करने वाले श्रीमान ईशान पाषाणों से कंपित हो गए थे, किंतु जगत के स्वामी भगवान गदाधर ने गुण के सहिष्णुता के गुण होने के कारण से क्रोध नहीं किया था। काल के ज्ञाता काल में के तुल्य आभा वाले हरि ने उस समय में उस युद्ध में काल को देखते हुए वो देवासुरों के विमर्द को देखने की कामना वाले हो गए थे। इसके उपरांत भगवान ने
उस रण में पावक और मारुत को देखा था और वे दोनों विष्णु के वाक्य से प्रेरित होकर उस माया का अपकर्षण करने वाले हुए थे। उस महायुद्ध में उद्गात वेगों वाले और प्रवृत्त उन दोनों के द्वारा वो पार्वती माया दग्ध और भस्मीभूत होकर नष्ट हो गई थी। वो अनिल वायु पावक से संयुक्त, वो अग्नि वायु के समाकित होकर इन दोनों ने युग के अंत में मूर्छित होने के समान दैत्यों की सेना का दहन कर दिया था। वहाँ पर वायु प्रदावित हुआ था और पीछे से अग्नि वायु के अनुसार ही आगमन हुआ था। इस तरह से अनिल और अनिल दोनों दानवों की सेना में क्रीड़ा करते हुए चरण करते थे। चारों ओर से दानवों के विमानों के नीचे गिर जाने पर उनके ऊपर उड़कर भूमि गिरने पर भस्मभूत अवयव के होने से होने होने पर एवं बीत स्कंद से अपरबिद्ध हो जाने पर पावकों के द्वारा किए हुए कर्म में मैं का वध हो गया था और भगवान गदाधर का स्तवन किया गया था। जिस समय में मैं दानव का वध हो गया था तो सभी दैत्य निष्प्रयंत हो गए थे तथा त्रिलोक के बंधन से युक्त तो हो गया था। सब देवगण अत्यंत प्रसन्न हुए थे और सभी और साधु साधु अर्थात अच्छा हुआ और धनियों होने लगी। इंद्रदेव को जय होने पर और दैत्यों का पराजय हो जाने पर सब दिशाएं विशुद्ध हो गई थी एवं धर्म का विस्तार प्रवृत्त हो गया था। चंद्रदेव अपावृत हो गए थे तथा दिवाकर अपने स्थान पर स्थित हो गए थे एवं चैत्र के बंधु तीनों लोग अपने स्वाभाविक अवस्था में स्थित हो गए थे। यजमानों में और भूतों में पाप प्रशांत हो गए थे तथा अभिन्न बंधन वाला मृत्यु अग्नि में हुयमान हो गया था। सब देवगण यज्ञों में शोभा प्राप्त करने लगे और स्वर्ग के अर्थ का प्रदर्शन करने लगे। सभी लोकपाल अपनी दो दिशाओं में यानों से वर्तमान हो गए थे। उस समय में सिद्धों का तपश्चर्या में भाव स्थित हो गया था और जो पाप पूर्ण कर्म करने वाले थे उनकी अभाव में स्थिति थी। देवों का पक्ष परम प्रमुदित हो गया था और दैत्य का पक्ष एकदम विषाद से ग्रस्त था। उस समय में तीन पादों वाला धर्म का निग्रह था और अधर्म केवल एक ही पाद से युक्त था, यानी त्रेता युग के शुरुआत का समय। ठीक है, तीन पाद वाला धर्म त्रेता युग में ही होता है और रामायण जो हुआ था वो त्रेता युग के अंत में हुआ था। राम का जन्म हुआ मतलब त्रेता युग खत्म, द्वापर युग का असर शुरू। मलद्वार के अपावृत होने पर सब लोग सपत में वर्तमान हो गए थे। लोग अपने दो धर्म और आश्रमों में प्रवृत्त थे तथा सब नृपतिगण अपनी प्रजा की रक्षा कार्य में युक्त एवं विराजमान हो गए थे। संपूर्ण लोग प्रशांत कल्मषों वाले थे एवं दानवीयतम भी एकदम शांत हो गया था। वहाँ पर अग्नि और मारुत का संग्राम जब हुआ था तभी ये सब हो गया था। बहुत से लोग तन्मय हो गए थे और उन दोनों से उनके विजय की करने वाली क्रिया भी हुई थी। मारुत और अग्नि के द्वारा किए हुए महान पूर्व देवों का भय श्रवण करके परम विख्यात कालनेमी नाम वाला दानव वहाँ पर दिखलाई दिया था, जिसका भास्कर के आकार के सदृश हुआ था और वो सित्तीज आवरणों और अंगदों वाला था। वो कालनेमी अपनी बाहुओं से भी ओम तोलन करता करने लगा और पैरों से बड़े दो मणिधरों को भी छिद्र करता था। वो वृष्टि से युक्त बलाकों को मुख के निवासों का के द्वारा प्रेरित करता था। जिस समय में वो कालनेमी वहाँ रणस्थल में समागत हुआ था उस समय वो तिर्यक आयत और रक्त नेत्र वाला था। उसका स्वरूप मंदरगिरी के तुल्य उग्रज वचित से युक्त था। युद्ध में सब देवों का संतप्त करता हुआ समाहित हुआ था। सब देवों को मारता हुआ वहाँ पे आया था, कहने का मतलब समस्त सुरों को डांटता फटकारता हुआ दशों दिशाओं में समाचिन्न हुआ था और संवृत काल में तुषित समस्तित मृत्यु की भांति दिखलाई दिया था। उच्छय से युक्त सुंदर तल वाले विपुल अंगुलियों के पर्वों से पूर्ण लंबे आभरणों से संयुक्त कुछ चरित कर्मों वाले उच्छिष्ट बहुमान दाहिने हाथ से पूर्ण लंबे आवरणों से युक्त कुछ कर्मों वाले उच्छिष्ट दाहिने हाथ से देवों के द्वारा मारे हुए दानवों से उठकर खड़े हो जाओ ऐसा कह रहा था।
उस समय क्षेत्र में द्वेष करने वाले शत्रुओं का काल चेष्टित काल नेमि का भय से विशेष भीत रचनों वाले समस्त सुरगण देख रहे थे। चारों क्रमण करते हुए उस काल नेमि को वामन से भी अधिक मान वाले दूसरे नारायण के भी समान प्राणी देखते थे। मतलब वो काल नेमि दैत्य नारायण के समान ही था। अत्यंत उच्च स्पुर वाले पैरों की मारुत घृणित अंबरों से संबंध संपन्न उस असुर ने प्रक्रमण करते हुए युद्ध स्थल में देवगणों को डरा दिया था। इसके अनंतर रण में समय भले असुरेंद्र से परिपक्व होकर वो कालनेमी विष्णु मंदिर के समान शोभित हुआ था। इसके अनंतर समस्त देवगण जिसमें इंद्रदेव सबके अग्रगामी थे दूसरे काल के ही समान आते हुए उस कालनेमी को देखकर विशेष रूप से व्यथित हुए थे। कालनामी वृत्तांत हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। वीडियो बहुत बड़ा हो गया इसलिए इस वीडियो पे इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए धन्यवाद।